हेलो एवरीवन, मैं हूं जीशान शेख। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज अपने सामने खड़ी है 2024 के अंदर जो है बलेनो कैसी कुछ आ रही है, इसके बारे में जो है आज हम बात करेंगे। और गाड़ी जो है यार बहुत ही प्यारी जो है लगती है। आपको स्विफ्ट तकड़ी लगती है, तकड़ी लगती है, ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। पर गाड़ी जो है बहुत ही शानदार है, ऐसी कुछ की रहने वाली है इसकी, यानी कि की में कोई भी चेंजेस वगैरह हमें देखने के लिए नहीं मिलता। अब भी 2024 के अंदर भी जैसी पहले आती थी सेम ऐसी ही की है आज तक भी, और लगता है फ्यूचर में भी ऐसी ही रहने वाली है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं गाड़ी की हेडलाइट। गाड़ी की हेडलाइट की अगर मैं बात करूं, हेडलाइट इसको हमें वही पीला हेलोजन बल्ब हमें गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि सभी बेस मॉडल में यही आता है, ठीक है जी। ये कुछ इसका टर्न इंडिकेटर, ठीक है जी। थोड़ी थोड़ी ब्लैक सी लग रही है ये भी, जैसे बलेनो उसमें आती है ना स्विफ्ट में, कुछ कुछ ऐसी ही लाइट इसकी लग रही है, ठीक है जी। ये होगी इसकी लाइट की बात, और बहुत गर्म होता है ये बल्ब भी, ठीक है जी। हेलोजन बल्ब इसमें हमें देखने के लिए मिलता है, कोई भी एलईडी वगैरह ये नहीं मिलती। टॉप मॉडल में ये एलईडी आ जाती है, ठीक है जी। कोई भी गाड़ी के अंदर जो है हमें फॉग लैंप देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी बेस मॉडल है, इसीलिए ऊपर के टॉप वेरिएंट में ही फॉग लैंप वगैरह दिखते हैं, ठीक है जी। ये रफ ब्लैक में जो है इसकी ग्रिल देखने के लिए मिल जाती गाड़ी के में हमें, ठीक है जी। रफ ब्लैक में ये मिल जाए, कोई भी स्किल्ड प्लेट वगैरह इस गाड़ी के अंदर नहीं आती, ठीक है जी। ये तो होगी गाड़ी की कुछ फ्रंट की बात, और अपना सुजुकी का लोगो बीच में ही आता है सभी में। स्विफ्ट में जो है अब यहाँ आ रहा है, वो भी अच्छा लगता है, ठीक है जी। फ्रंट की बात तो होगी गाड़ी की ये कुछ। अब आ जाते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा दोस्तों? साइड प्रोफाइल में सबसे पहले टायर साइज की तरफ, टायर साइज जो हमें इसमें गाड़ी में देखने के लिए मिलेगा, वो देखने के लिए मिलेगा हमें शायद 65 होगा, हाँ थोड़े गंदा हो रहा है, 185/65R15, यानी कि 15 इंच का जो है हमें इसमें टायर साइज देखने के लिए मिलेगा। कोई भी अलॉय वगैरह नहीं आते। वही व्हील कैप हमें इसमें गाड़ी में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि नट वाले हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ गाड़ी के अंदर रहने वाली है भाई, वरना पहले ऐसे ही दे देते फंसाने वाले। ये बहुत बढ़िया है कि नट खिंच जाते हैं, इन्हें कोई भी आराम से चोरी वगैरह नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। ये हो गया टायर साइज की बात। डिस्क ब्रेक की बात करूँ, आगे जो है गाड़ी में हमें डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे, पीछे गाड़ी में हमें ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है जी। साइड इंडिकेटर की बात करूं, फेंडर पे ही हमें इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है, जो कि यार थोड़ा भद्दा सा लगता है, अगर इसी में आ जाता तो और भी अच्छा लगता। रफ ब्लैक में ही जो इसका मिरर रहने वाला है। साइड प्रोफाइल कुछ गाड़ी की ये है, ठीक है जी। गाड़ी की अगर लेंथ की बात करूँ, 3990 mm की हाइट रहने वाली है, 1745 mm की विड्थ रहने वाली है। हाइट की अगर गाड़ी की बात करूँ, 1500 mm की गाड़ी की हाइट रहने वाली है। 5 सीटर गाड़ी है ये, ठीक है जी। 2520 mm का व्हील बेस है। गाड़ी के वेट की अगर बात करूँ, 925-955 kg के आसपास गाड़ी का वेट रहता है। 5 डोर गाड़ी ही ये रहती है, ठीक है जी। साइड प्रोफाइल की बात हो गई ये, इसकी हाइट वगैरह की बात सब ही हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा गाड़ी के पीछे, पीछे गाड़ी में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले बात करूँ गाड़ी के अंदर जो है, पीछे हमें डिफोगर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बेस मॉडल में डिफोगर बहुत ही कम गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है। ये नेक्सा की एक अच्छी चीज़ है कि डिफोगर भी इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है। बट अब तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट में भी डिफोगर आ रहा है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है जी। स्टॉप लैंप इसका यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये एंटीना है कुछ, शार्फिन एंटीना इसमें नहीं आता, यही आता है अपना, कोई नहीं, बाहर से चेंज हो जाएगा जब भी। गाड़ी के अंदर बहुत सारे फीचर्स वगैरह इसके अंदर हैं, ठीक है जी। 1, 2, 3, 4 सेंसर इस गाड़ी के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है जी। रिफ्लेक्टर की कुछ ये हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है जी। LED टेल लाइट जो है गाड़ी की रहने वाली हैं, जो कि बहुत ही प्यारी गाड़ी में जलती हैं। बलेनो की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, और अपना ये नेक्सा, ठीक है जी। बैक की बात हो गई ये, चलो गाड़ी का बूट स्पेस और दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा है। कुछ अनलॉक कर लेते हैं गाड़ी को, गाड़ी अनलॉक हो गई, ये आ गया जी इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस भी गाड़ी के अंदर हमें काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिलता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कितना कुछ रहने वाला है बूट स्पेस। बूट स्पेस की बात करूँ अगर मैं, 318 लीटर का बूट स्पेस हमें देखने को मिलेगा, यानी कि 318 लीटर का बूट स्पेस गाड़ी के अंदर दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। देख रहे हो भाई, काफ़ी स्पेस गाड़ी के अंदर है, ठीक है जी। और चलो हैंड रेस्ट वगैरह की आगे ही बात करेंगे, इसको कर देते हैं बंद। अगर फ्यूल टैंक की बात करूँ, 37 लीटर का फ्यूल टैंक हमें इसमें देखने को मिलेगा, जो कि पेट्रोल ओनली, ठीक है जी। पेट्रोल का अगर फ्यूल टैंक की बात करूँ, 37 लीटर का फ्यूल टैंक गाड़ी के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। ये रफ ब्लैक में ही देखने के मिलता है, कलर में हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि बेस वेरिएंट है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो जी, पहले गाड़ी के अंदर ही हम बैठ जाते हैं, ठीक है जी। करते हैं डोर की थोड़ी सी बात। ये जो है ब्लू कलर में दे दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये भी अपना थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, थोड़ा बहुत हाँ सॉफ्ट टच है। और अपना सारे कंट्रोल यहाँ दे दिए गए हैं, मिरर उतारने चढ़ाने के, ठीक है जी। यहाँ पर अपना बोतल होल्डर
और यहाँ अपना कुछ भी सामान रख लो। पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं भाई, गर्मी जो है बहुत ज्यादा हो रही है। ये कर लेते हैं गाड़ी स्टार्ट, ठीक है जी, उसके बाद बात करेंगे। गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, पहले जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी। सारे कंट्रोल यहाँ पे दे दिए गए, ये ब्लू सा कलर यहाँ दे दिया गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ दे दिया गया है गाड़ी में, ठीक है, ठीक है जी। ये कुछ गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार बेस मॉडल के हिसाब से, मानोगे नहीं, फिर भी बहुत अच्छा यार लग रहा है, ठीक है जी। ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया। स्टेयरिंग कुछ गाड़ी के अंदर ऐसा आता है क्योंकि बेस वारंटी, इसीलिए गाड़ी के अंदर कोई भी बटन वगैरह यहाँ नहीं दिए गए हैं। अगर बात करूँ स्टेयरिंग को, आप ऊपर नीचे तो कर सकते हो पर अपनी तरफ खींच नहीं सकते, ठीक है जी। ये रहने वाला कुछ स्टेयरिंग, ये इसका क्लॉक बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे बोतल रख सकते हो और यहाँ पे अपना चार्जिंग के लिए अपना वो लगाओ और यहाँ रख लो। ये दो अपना बोतल होल्डर, तो अपने बोतल होल्डर, यहाँ थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, अपना चार्जिंग के लिए फोन लगा लो। ये कुछ इसकी प्यारी सी एसी कंट्रोल, ठीक है जी। सबसे अच्छी चीज़ एक मुझे ये लगती है गाड़ी के अंदर, ऑटोमेटिक एसी इस वेरिएंट में हमें देखने के लिए मिल जाती है। मतलब पूरी ऑटोमेटिक तो नहीं है तो इसमें ही बटन, बट जो सुजुकी मानते हैं ना घुमाने वाले रेगुलेटर, वो नहीं है इसके अंदर, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी डिस्प्ले इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है जी। और ये अपना कुछ टिकट होल्डर और ये मिरर होल्डर, मिरर आ जाता है बट इस मॉडल में नहीं आता, इसलिए एयरबैग की बेजिंग इसमें हमें देखने के लिए मिल जाएगी। ये अपना मिरर पीछे वगैरह देखने के लिए, ठीक है जी। और ये ब्लू सा है, ये कलर बहुत ही प्यारा जा रहा है, आप बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा कलर है ये, मुझे कलर के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, ठीक है, फिर भी आप बताना। वो गंदा हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है जी। और ये अपना देख रहे हो सिल्वर सा कलर, ये भी बहुत प्यारा गाड़ी के अंदर लग रहा है। ये कुछ इसकी गियर नॉब, ठीक है जी, ये कुछ गियर नॉब रहनी है और सॉफ्ट ऑफ सा कुछ ऐसा ही है गाड़ी के अंदर। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के रियर में, रियर में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। चलिए गाड़ी के रियर में चलते हैं। अब लो जी गाड़ी के रियर में चलते हैं, देखो जी ये कुछ स्पेस रहने वाला है, वही जो आगे चीज थी, सॉफ्ट टच तो नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत ब्लू सा कलर दे दिया गया है जो कि एक अच्छा लग रहा है डोर पे, ठीक है जी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, ये लो जी ये आ गए हम गाड़ी के अंदर, काफी स्पेस गाड़ी के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। देख सकते हो आप मैं कितने आराम से बैठा हुआ हूँ, ठीक है, काफी सारा स्पेस है गाड़ी के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे जो है हमें चार्जिंग होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, अपना फोन लगाओ चार्ज करो और यहाँ पे बढ़ा लो अंदर, ठीक है। ये कुछ ऐसी गाड़ी रहने वाली है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें देखने के लिए मिलेंगे आगे, ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ रहने वाली है। और पीछे भी जो है तीन हैंडरेस्ट इसमें दिए गए हैं हेडरेस्ट, एक बीच में बच्चा जो बैठेगा उसके लिए भी, भाई साहब ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे गाड़ी के अंदर लगी, क्योंकि अगर आप ब्रेज़ा भी लेने जाओगे बेस मॉडल, उसके अंदर भी ये तीनों चीज़ नहीं मिलती हमें देखने के लिए, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है। और आप सीट भी अपना आगे गिरा सकते हो, ऐसे बूट सिंगल में गिर जाती है, ठीक है, पूरी नहीं कि पूरी ही गिराओ, आधी सीट भी गिर जाती है, ठीक है। ये हो गई रियर की बात, अब चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ, करते हैं गाड़ी के इंजन की बात। इंजन हमें जो है इसमें 1.2 लीटर का के सीरीज का इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि इंजन बढ़िया है, 1197 सीसी रहने वाला है, 88 पावर मैक्स पावर की अगर बात करूं, 88.50 bhp पावर मैक्स टॉर्क की अगर बात करूं, 113 nm का टॉर्क, फुल सिलेंडर इंजन ये रहने वाला है, फुल सिलेंडर ये गाड़ी रहने वाली है, मैनुअल 5 गियर के साथ ये गाड़ी आती है। एवरेज की अगर बात करूं 22 से लेकर 25 तक एवरेज जो है कंपनी क्लेम करती है, बट हां 20-22 का एवरेज ये गाड़ी निकाल देती ही है। टॉप स्पीड की अगर बात करूँ 180 तक गाड़ी चली जाती है। तो ओवरऑल गाड़ी आपको कैसा लगी 2024 के अंदर बलेनो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या इस बलेनो को देखने के बाद भी आप स्विफ्ट पे जाएंगे, ये भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बात करते हैं हम इसकी एक्सोरूम प्राइस की, एक्सोरूम प्राइस गाड़ी की 6.66 लाख रुपीज, जो कि एक्सोरूम है, ऑन रोड आपको लगभग 7-7.5 के करीब की आपको ये पड़ेगी, 7 की तो नहीं 7.5 के आसपास पड़ेगी, हो सकता है आपकी सिटी के हिसाब से ऊपर भी रेट चला जाए।